नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे जय किसान की। और जहाँ पर किसानों की बात आती है तो हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो आज हम बात यही करेंगे कि किस तरह से कृषि यानी कि फसलों का जो बिज़नेस है वो किस तरह से उपयोगी हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि अनाज का बिजनेस करने वाले लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। भारत में लगभग 5% अनाज सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमारे पास अब तक ना तो स्टोरेज के सही इंतजाम है और ना ही शुरुआती दौर में अनाज के दानों के सही केयर करने का सिस्टम। ऐसे में अनाज के व्यापारियों को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे होलसेलर हो या रिटेलर, आपको ये पता ही होगा कि इस मार्केट में देसी और विदेशी दोनों ही डिमांड काफी है। डिमांड के साथ यहाँ कंपटीशन भी काफी है, इसलिए आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। मार्केट में उतरने से पहले आप खुद या किसी विशेषज्ञ की मदद से इस बिजनेस के हर दाव पेच का ढंग से हर विश्लेषण कर लें। मार्केट रिपोर्ट्स, नफा नुकसान, खरीद फरोख्त, मांग आपूर्ति आदि जैसे सिद्धांत अपने बिजनेस से संबंधित इलाकों को ध्यान में रख के अच्छे से समझें। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, भारत देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फसल उत्पादक है और कृषि के मामले में भी हम काफ़ी आगे हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि फसलों को लेकर हमारे देश में किस तरह की इकॉनमी है, क्या ये बिज़नेस अच्छा है और क्या ये बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकता है। इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकालने का एक काफ़ी बढ़िया टिप है। ध्यान रखें कि आप अनाज डायरेक्ट किसानों या किसान एसोसिएशन से ही खरीदें। बल्क सप्लायर के जरिए लेने में आपको प्रॉफिट कम होता है। आजकल इस मार्केट में अमेजोन, किराना, बिग बाजार जैसे नाम भी शामिल हो गए हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन और बढ़ गया है। आपको इनकी कमजोरियाँ समझ कर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे लोगों को अभी भी इन ब्रांड से ज्यादा अपने लोकल दुकानदारों पर भरोसा है। पॉलिश्ड अनाजों के डर से कई लोग ऐसे ब्रांडेड स्टोर से खरीदारी नहीं करना चाहते। ऐसे में आप अपना भरोसा कायम रखने के लिए लोगों के साथ एक खुला रिश्ता बना सकते हैं। आप किसी किसान से डायरेक्ट अनाज ले सकते हैं या किसी किसान को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप न सिर्फ किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिला पाएंगे बल्कि अपनी शुद्धता के साथ कस्टमर्स का भरोसा भी जीत पाएंगे। अगर आप खुद अनाज उगाते हैं या बल्क में खरीदते हैं तो आप अपने अनाज को लोकल मार्केट तक ही ना रखकर दूर दराज के मार्केट्स में भी बेच सकते हैं। इसलिए आप एक मार्केटिंग प्लान बनाएं, ये आपको रिस्क से भी बचाएगा और आपको आपके प्रॉफिट बनाए रखने के लिए फोकस्ड भी रखेगा। हालांकि ये प्लान सही से बनाने के लिए आपको कई फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे, जैसे आपकी प्रोडक्शन या खरीद लागत क्या है। आपको अपना ब्रेक इवन प्राइस यानी वो मूल्य पता होना चाहिए जिस पर बेचने में आपको ना तो नुकसान हो ना फायदा। ये जानकारी आपको अपने अनाज को सही दामों पर बेचने की स्ट्रेटजी बनाने में सहायता करेगी। साथ ही आपको अपने अनाज को बेचने की एक समय रेखा भी तय करनी चाहिए जिससे कि आपके बिजनेस में कैश की कमी ना हो। इसके साथ ही आपकी स्टोरेज क्षमता का सवाल भी पैदा होता है। स्टोरेज और अनाज की क्वालिटी मेंटेन रखने में कितना खर्च आएगा ये भी पहले से ही हिसाब लगा लें। बेहतर स्टोरेज सुविधाएं होने पर आप अपना अनाज भरपूर पैदावार के समय ना बेचकर बाद के लिए बचा सकते हैं। इससे आप बाद में ज्यादा दामों पर अपना अनाज बेच पाएंगे। अंकुरित और नमी वाले अनाज को स्टोर करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखें। कटाई के सीजन का 25 से 30 डिग्री तापमान और अनाज की 13 से 14 प्रतिशत की नमी स्टोर में कीड़े मकोड़े और फफूंदी को पनपने का अवसर देती है। ऐसे में आपको बेहद मुस्तैद रहकर इस समस्या को बढ़ने से रोकना है। समय समय पर अनाज को चेक करते रहें ताकि फफूंदी पनपने की स्थिति आपको बिगड़ने से पहले पता लग सके। अधिक और कम नमी वाले अनाज को एक साथ मिक्स कर दें ताकि नमी और वातावरण को नॉर्मल किया जा सके। स्टोर वातावरण ठंडा रखें और नमी भी नॉर्मल रखें। अधिक नमी होने पर डायर्स का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। अंकुरित अनाज को आप बीज के तौर पर रख सकते हैं, हालांकि कोशिश करें इसका उपयोग जल्द कर लें क्योंकि गुजरते समय के साथ बीज की अंकुरण क्षमता भी कम हो जाती है। आपके मार्केटिंग प्लान में एक जरूरी फैक्टर आपके अनाज की क्वालिटी भी होनी चाहिए। बेहतर क्वालिटी आपको बेहतर दाम दिलाती है, साथ ही आपको ये अनाज कस्टमर तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को भी अच्छे से समझना होगा। डिलीवरी डेट, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट आदि जैसी चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी। आपको अपनी नीति का साल में 1 से 2 बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। आपको समय समय पर चेक करना चाहिए कि आप अपने वित्तीय टारगेट्स पूरे कर भी पा रहे हैं या नहीं। टीवी, रेडियो आदि पर कई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो कृषि और अनाज के बिजनेस से संबंधित हैं। ये आपको बाजार में हो रही घटनाओं से रूबरू कराते हैं।
आप किसी विशेषज्ञ से भी इस मामले में सलाह ले सकते हैं। आप साथ ही उत्पादकों से भी बात कर सकते हैं। मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने के लिए ऐसे डिस्कशन काफी उपयोगी रहते हैं। अनाज के इस बिजनेस में भी बाकी बिजनेस की तरह मार्केटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो खिलौना हो, कपड़े हो, हर कहीं कंपटीशन है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग करना। तो अगर आप भी सस्पेंस में थे कि क्या फसलों का बिजनेस करना, अनाज का बिजनेस करना फ़ायदे का सौदा है, तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मिल गई होगी। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कोई किसी भी तरह का कोई डाउट है, आशंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम हमेशा आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, वीडियो लाइक कीजिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।